शहर के सेंदा रोड प्रेमनगर स्थित एक निवार बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दूर दूर तक आग के लपटे और काला धुआं दिखाई देने लगा। रिहायशी इलाके में आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद नगर परिषद के दमकल विभाग को फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि मौके पर श्री सीमेंट की दमकल गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद तहसीलदार मोहन सिंह राजावत, नगर परिषद सचिव एवं पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंचा तथा वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ को हटाया। दमकल की दो गाड़ियों ने सात फेरे लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन तब तक निवार फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल व यंत्र संयंत्र आग की भीड़ चढ़ गए। यह तो गनीमत रही कि आगजनी की घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों ने एहतियात के तौर पर घरों से गैस सिलेंडर भी बाहर निकाल दिए, जिससे बड़ा हादसा घटित ना हो। आग बुझाने में परेशानी के चलते बाधा बन रही दीवार को जेसीबी की सहायता से तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में निवार बनाने का कार्य किया जाता है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने बताया कि पहले चिंगारी उछली, उसके बाद देखते ही देखते आग एकदम से तेज हो गई और लपटे उठने लगी। हालांकि आग के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आग के विकराल रूप को देखकर लगता है कि बड़ा हादसा घटित हो सकता था। आसपास के लोगों की सजगता व प्रशासन की मुस्तैदी के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया है कि राखी परिवार द्वारा संचालित उक्त निवार फैक्ट्री में आग के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।